सो अब हम देखेंगे इंडिया में जो भी कोई स्कीम लगाती है, शुरू करती है गवर्नमेंट, तो इसमें मेनली वो दो चीज़ें करती है। एक तो टारगेट सेट करती है पॉपुलेशन वाइज, एक टारगेट सेट करती है मनी वाइज। मीन्स वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करेंगी और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों चीज़ें वो इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो जल जीवन मिशन है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ घरों में वो इतना टारगेट, इतने करोड़ रुपया खर्च करेंगे और इस ईयर तक वो इतने लोगों के घरों में डायरेक्ट पानी पहुंचाएंगे नल के थ्रू। ठीक है, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसका कोई सेंस इतना है नहीं, क्योंकि जैसे इंडिया में आप देखोगे तो हर एक प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जैसे गांव में देखा जाए तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को नल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन गांव में कुएं होते हैं या बोरवेल्स होती है, उनके थ्रू वो डायरेक्टली मोटर से पानी आता है और उनके अभी गांव में अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए उनके घरों पे ये टंकी रहती है, उसके थ्रू वो उनको पानी आता है घर में। ठीक है, और नो, ये सारा इतना जो बजट है वो अनाउंस किया जाता है, पब्लिक भी खुश हो जाती है जनरली कि हाँ इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, बट एक्चुअली में वो किस, और बाकी क्या होता है, जो भी IAS IPS ऑफिसर होते हैं या जो जो भी एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं वो इस काम में लग जाते हैं टारगेट अचीव करने में। बट देखा जाए तो ये होना चाहिए कि जैसे, और वही आप कॉन्ट्रास्ट देखो तो शहरों में जो लोग रहते हैं उनको एक्चुअली घर ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे घर हैं तो हर एक जर, अब डिपेंड करता है कई बार कि जैसे कई लोग एक ही, सपोज़ ये एरिया है लखनऊ का, तो उन उसमें लोगों को एक पर्सन का घर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो सपोज़ ये घर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप अभी पानी देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे और छोटे छोटे घर है सपोज़, तो उनको इंडिविजुअली पानी देने की अगर ज़रूरत है तो वहाँ एट इट मीन्स कि जहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके से फुलफिलमेंट किया जाएगा, तो ये इस एक तरीके से बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसमें ये किया जा सकता है कि वॉट एवर पॉपुलेशन इज़ देयर इन इंडिया, और जैसे जैसे लोग रहते हैं गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वो जो म्यूनिसिपलिटी, जो भी जहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट लगती है, अगर इस पर्सन को रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करे कि हमें पर्टिकुलर नल लगवाना है, तो आप उसमें सब्सिडी आपको जो भी देनी है उस तरीके से उस पर्सन के घर पे नल लगवाने के लिए जिस तरीके से हेल्प कर सकते हो वो करो। तो ये क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे सपोज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे लोगों को अगर स्कीम कोई गवर्नमेंट लाती है तो क्या करेंगे वो, अगर उनकी तरफ से वो लोगों के पास जाएंगे तो वो उनके हिसाब से काम करेंगे। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, पॉपुलेशन जैसे एक घर यहाँ है एक घर यहाँ है, ये लोग बट इनको ज़रूरत है बट वो जा नहीं पाते, इसलिए गवर्नमेंट सपोज़ यहाँ आ नहीं रही है डायरेक्टली, तो ये वॉलेंटरीली इनके पास जाना चाहिए इन्होंने, और इन्होंने पूछना चाहिए कि हमें नल लगवाने की लगवाना है और इस तरीके से हमें जो भी सब्सिडी है वो हमें प्रोवाइड की जाए। तो ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जो भी पब्लिक या गवर्नमेंट काम करती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम ह्यूमंस टू या जनरल पॉपुलेशन टू गवर्नमेंट, ना कि गवर्नमेंट टू पॉपुलेशन, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन। सो इस तरीके से ये एक्चुअली काम किया जा सकता है।